दोस्तों वेलकम टू ट्रैवल ट्रेंडिंग और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रवि। दोस्तों आज हम आए माता वैष्णो देवी के दरबार में। हाँ जी, वैष्णो देवी के दरबार में, बट ये है वृंदावन का वैष्णो देवी मंदिर, जो कि वृंदावन स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और ये माता की इसमें सबसे स्पेशलिटी है कि इस मंदिर की कि इसमें माता की बहुत बड़ी मूर्ति है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी मूर्ति है और कैसा मंदिर है, मैं अपने साथ साथ आपको दिखाता हूँ। चलिए दर्शन करते हैं साथ में। जम्मू के वैष्णो देवी की तर्ज पर वृंदावन में बने इस मंदिर की अपनी अलग मान्यता है। लोगों के अनुसार आज भी इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी करते हैं। इस मंदिर में स्थापित माँ की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और दोस्तों हाँ, मंदिर के अंदर कोई सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई आपके पास बैग या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आपको लॉकर में जमा करना होगा, जिसका शुल्क 20 रुपीज पर लॉकर होता है। माँ दुर्गा की ये मूर्ति लगभग 141 फीट ऊंची है। मूर्ति के बगल में हाथ जोड़े हनुमान जी बैठे हैं। और दोस्तों ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से आपको माता वैष्णो देवी की गुफा का प्रवेश द्वार मिलेगा, माता का मंदिर का प्रवेश द्वार मिलेगा, आर्ट गैलरी का प्रवेश द्वार मिलेगा, म्यूजिकल फाउंटेन का प्रवेश द्वार मिलेगा, बट जो है म्यूजिकल फाउंटेन सिर्फ रात में ही चलता है। चलिए आगे चलते हैं। दरअसल पुराणों में मान्यता है कि जब वैष्णो माता त्रिकुट पर्वत के गुफा में तपस्या करने गई तो वहां उनका अहित करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए थे। तभी माता की रक्षा के लिए हनुमान जी आ गए और भैरवनाथ से उनकी लंबी लड़ाई हुई। 9 महीने के तप के बाद निकली माँ वैष्णो ने काली रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। इसी मान्यता को लेकर और इसी को आधार बनाकर वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है। और दोस्तों मेन मंदिर के प्रारंभ होने से पहले ही आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे यमुना जी की सुंदर मूर्ति है और राइट हैंड पर जो है गंगा माता की सुंदर मूर्ति आपको दिखाई देगी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्तियां बनाई गई है। और चलिए हम मेन मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये माता की सुंदर मूर्ति देखिए, 141 फीट की सुंदर मूर्ति। और ये यहाँ का मेन मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अंदर से देखते हैं मंदिर। और जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है और बनाया गया है। चारों तरफ जो है देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां लगी हुई है, जो कि मंदिर की शोभा और बढ़ाती है। और यह है माता वैष्णो की बहुत ही सुंदर मूर्ति। अब चलिए आगे देखते हुए चलते हैं। मूर्ति गणेश जी की मूर्ति से स्टार्ट है, फिर ये कृष्ण जी की मूर्ति, और फिर कृष्ण जी की मूर्ति जो कि गोपियों संग रास रचाते हुए दिखाई गई है और लिखा है कृपया मूर्ति को हाथ न लगाएं, तो कृपया मूर्ति को मत छुइएगा। और आगे चलेंगे तो देखेंगे ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति यानी कि बालाजी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है, गणेश जी की मूर्ति, और ये भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। और ये गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, राधा कृष्ण, चारों तरफ जो है मूर्तियां ही मूर्तियां हैं जो कि बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। ऐसा लगता है कि अभी मूर्तियां बोल पड़ेंगी। और ये देखिए शिव परिवार जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, माता शिव पार्वती, माँ दुर्गा का रूप,
माता सरस्वती, माता काली और ब्रह्मा विष्णु महेश जी। ये कृष्ण भगवान जो गोवर्धन पर्वत उठाए और ये भगवान भोलेनाथ और ये राम दरबार जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यह झीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ ये साई बाबा बहुत ही अलौकिक मंदिर बनाया गया है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं यानी कि वृंदावन की यात्रा पे आ रहे हैं तो इस मंदिर में यानी कि वैष्णो धाम मंदिर में अवश्य आए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे अपनी आइटनरी में शामिल करना मत भूलिएगा। चलिए हम आगे दिखाते हैं इस मंदिर के और आकर्षण। और अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर के साथ ही इसकी आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी में बताया गया है कि मंदिर का इतिहास, ये मंदिर कैसे स्टार्ट किया गया, मंदिर की नींव कैसे रखी गई है, भूमि पूजन से स्टार्ट करते हुए मंदिर का जो फाइनल निर्माण किया गया है वो दिखाया गया है। ये मंदिर का जो है मॉडल दिखाया गया था माता की मूर्ति का कि इस तरह का मूर्ति बनाएंगे और ऐसी ही मूर्ति बनी है। अगर आप देखेंगे किस तरह से सालों काम करने के बाद इस मूर्ति को और इस मंदिर को जो है एक रूप दिया गया है जो कि फाइनल रूप अभी आपके सामने है। काफी वर्षों की मेहनत और काफी टाइम लगने के बाद मंदिर का ये फाइनल रूप हमारे और आपके सामने आया है। और ये माता की मूर्ति देखिए, विशाल मूर्ति 141 फीट की। और ये सामने है मन्नत ट्री। अगर आप इस पे मान्यता है कि अगर आप इस पे अपनी मन्नत मांगेंगे तो आपकी मन्नत जो है जरूर पूरी होगी। और चलिए दोस्तों, इस मंदिर में भी वैष्णो देवी गुफा के तर्ज पर एक गुफा बनाई गई है जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें देवी देवताओं की भी मूर्ति लगाई गई है और माँ दुर्गा के 9 रूप आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए एंट्री करते हैं गुफा के अंदर। और ये लिखा है कि मूर्तियों को कृपया हाथ न लगाएं, यानी कि अगर जब भी आप आए तो आप प्लीज मूर्तियों को टच मत कीजिएगा। और दोस्तों देखिए, गुफा की स्टार्टिंग के साथ ही भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है। आगे चलेंगे तो माँ वैष्णो देवी का रूप दिखाई देगा और साथ में हनुमान जी। और यह है माता शैलपुत्री करके। और यह है माता ब्रह्मचारिणी। गुफा को बहुत ही सुंदर रूप दिया गया है। ऐसा लगता है कि हम वैष्णो देवी गुफा में ही चल रहे हैं जो कि जम्मू कटरा में है, बट ये गुफा बहुत ही अच्छी बनाई गई है। चलिए दोस्तों, जैसे आप मंदिर की इस गुफा से बाहर निकलेंगे तो आपको जो मेन मूर्ति रखी गई है यानी कि 141 फुट की माँ वैष्णो देवी की मूर्ति जिसमें हनुमान जी साथ में है, उसमें आपको जो है परिक्रमा का ऑप्शन भी मिलता है। वहां पर आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं। वे टू परिक्रमा, ये देखिए माता की विशाल मूर्ति जो कि आपको बहुत पास से देखने का मौका यहां से मिल जाता है। वे टू परिक्रमा। और स्टार्टिंग में देखेंगे चरण पादुका।
बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस मंदिर का। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो इस मंदिर में आना ना भूलें। और ये गुफा बनाई गई है जो कि एग्जिट गुफा है, बट इसमें भी जो है सेम, अभी हम जैसी गुफा में आए वैसे ही हमें सेम गुफा से ही जाना होगा। और उसमें भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं और माता दुर्गा के रूप में से रूप। वे टू गो आउट गुफा। चलिए हम अंदर चलते हैं। और देखिए माता का रूप, स्कंद माता। ये है कात्यानी माता जी। कात्यानी माता जी का मंदिर हमारे दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी देखने को मिलता है। और ये माता कालरात्रि, और ये फाइनली भैरवनाथ जी, क्योंकि माना जाता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा बिना भैरवनाथ जी के अधूरी होती है, इसलिए भैरवनाथ जी का स्टेचू इस मंदिर में होना अनिवार्य था। और चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं इस गुफा से। बहुत ही अच्छा लगा इस गुफा के अंदर आते हुए, मेरा बहुत ही अच्छा और शानदार एक्सपीरियंस रहा होगा। आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पूरा मंदिर दिखा दिया है, पूरे मंदिर का ओवरव्यू दिया है वर्चुअली। और दोस्तों मंदिर से सटा एक आश्रम है जहां श्रद्धालु आकर रुक सकते हैं। दूर दूर से यहां लाखों टूरिस्ट प्रतिदिन आते हैं। आशा करता हूं मेरा ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता हूँ आपसे दोस्तों अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी।